ये बटर क्रीम विद व्हिपिंग क्रीम की फ्रोस्टिंग अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट करें। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हाफ के जी का चॉकलेट फ्लेवर का केक है और इसमें है ना मैं 120 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करी हूँ, और वो इसलिए यूज़ करी हूँ क्योंकि उनको ना थिक चाहिए था और केक का शेप उनको स्क्वायर ही चाहिए था। तो मैं बोली अगर कम कर दूंगी ना तो क्या होगा कि बेस पतला रहेगा, और उनको ठीक चाहिए था, और मैं है ना अगर राउंड टिन होता तो छोटा टिन ले लेती, लेकिन स्क्वायर का क्या मेरे पास है ना बहुत सारे नहीं हैं, इसलिए है ना मैं उसमें ही बेक करी और थोड़ा सा प्रीमिक्स ज़्यादा कर दी हूँ। और ज़्यादा करने से ना थोड़ा वेट बढ़ गया है, मैं आपको वेट करके भी आज दिखाऊंगी। और इसमें मैं दो लेयर करी थी और नीचे है ना व्हिपिंग क्रीम इसलिए लगाई हूँ क्योंकि है ना ये है ना फिनिशिंग देने के टाइम पर फिसलता नहीं है, अच्छे से स्टेबल रहता है। और इसमें है ना मैं बेस के ऊपर ही ये चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चॉकलेटी चाहिए था। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए ना तो आप लोग यहाँ पर मत ऐड करें। और जो ये व्हिपिंग क्रीम देख रहे हैं ना इसके अंदर मैं बटर डाली हूँ, और इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोगों को चाहिए तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और काफ़ी टेस्टी और अच्छा बना था, उसमें है ना मैं कस्टमर का फीडबैक भी ऐड करी हूँ। अब इसमें क्या करूँ, बार बार अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग है ना अगर इसकी डिटेल्स वीडियो चाहिए तो जाकर देख लें। और थोड़ा सा क्रीम बच गया था ना तो मैं घर के लिए भी यूज़ करी हूँ, तो घर वाला केक भी हम लोग खाकर देखे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगा था। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये ऊपर है ना मैं गनाश यहाँ पर भी डाली हूँ, और उसके ऊपर है ना बहुत सारा चोको चिप्स डाली हूँ क्योंकि ये खाने के बाइट में जब आता है ना एक एक बाइट में तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो स्किप कर दो। और ये मेरा दूसरा लेयर गया, और इसको भी मैं अच्छे से सोकिंग कर रही हूँ क्योंकि सोकिंग करने से ना काफ़ी केक मॉइस्ट रहता है। अगर एक दो दिन तक आप फ्रिज में भी रखेंगे ना तो ड्राई ड्राई नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं भी रखना है, तुरंत भी खाना है ना, तो भी ये काफ़ी मॉइस्ट लगेगा। और इसके ऊपर मैं गनाश इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब बेस के अंदर जाता है ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब मैं ये केक बना रही थी तो मैं खुद कन्फ्यूज थी, मैं आप लोगों के साथ ना गलत बातें नहीं शेयर करूंगी, मैं खुद कन्फ्यूज थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये बटर वाला बना रही थी। तो मैं बोली ऐसा ना हो कि टेस्ट उनको अच्छा ना लगे, तो मैं बोली जब चॉकलेट अच्छे से डाले रहूंगी ना तो बाइट में हर बाइट में आएगा तो टेस्ट तो अच्छा ही लगेगा। इस हिसाब से ना मैं अच्छे से ही गनाश डाली हूँ, और आप लोग भी ना एक बार ज़रूर ये मेथड से ट्राई करना, काफ़ी अच्छा और सुंदर लुक आएगा। और इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग ना मैं हमेशा पाइपिंग बैग में भरकर ही करती हूँ क्योंकि मुझे है ना ये ज़्यादा इजी और आसान लगता है, और मुझे लगता है कि ये करने से थोड़ा सा केक में फिनिशिंग देने में आसानी हो जाती है। तो आप लोग को अगर करना है तो करें, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्लेट नाइफ से करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो स्टेप अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, मुझे ऐसा जमता है इसलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रही हूँ जो मुझे जमता है, लेकिन आप लोगों को दूसरे मेथड से जमता है तो आप लोग वैसा भी बना सकते हैं। और स्क्वायर का एक चीज़ ये रहता है कि जब भी आप ये केक बनाएंगे ना तो थोड़ा रेडी रहना, फिनिशिंग देने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे अगर आप लोग फिनिशिंग ना भी देना चाहें अच्छे से तो इसमें है ना स्क्रैपर बहुत सारे आते हैं, जिगजैग वाले या और भी दूसरे आते हैं, वो वाला यूज़ कर लोगे ना तो फिनिशिंग फट से हो जाएगा क्योंकि उतना ज़्यादा फिनिशिंग देना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कॉर्नर तो आपको ठीक करना ही रहेगा। आप लोग है ना अच्छे से ही कर लेंगे, हो जाएगा, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टार्टिंग में कर रहे होंगे ना तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी फट से हो जाता है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि आराम से ही मैं हर कोना अच्छे से देख रही हूँ और अच्छे से ही कर रही हूँ। तो जब भी आप लोग स्क्वायर बनाएं तो टाइम का सोच के चलें कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा ही आपको फिनिशिंग देने में। और केक बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग क्लासेस भी लिए होंगे ना तो भी आपको पता होगा कि क्लासेस में खाली आपको वो इंग्रेडिएंट्स बता देंगे, मेथड बता देंगे, लेकिन अपने हाथों में फिनिशिंग तो आप घर पर ही कर सकते हो। वहाँ पर एक दिन दो दिन चार दिन की क्लासेस से आप खाली केक बनाना सीख सकते हो, लेकिन केक को कैसा डिज़ाइन करना है, फिनिशिंग कैसा करना है, वो आपको है ना केक बना बना कर ही आएगा, किसी के बताने से नहीं आएगा। लेकिन आप लोग है ना ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो क्या रहता है कि कोई ट्रिक कभी आपको नहीं पता है, तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया क्योंकि मैं खुद देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे भी केक देखने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतनी सारी डिज़ाइन अपने माइंड में नहीं रहता है। तो हम लोग को भी केक के डिज़ाइन के लिए और भी किसी चीज़ के लिए, जैसे अभी ये बटर क्रीम जब मैं बनाई ना तो कितना मैं यूट्यूब पर सर्च करी मुझे मिला ही नहीं क्योंकि मैं क्लासेस नहीं ली हूँ। अगर क्लासेस लिए रहते हैं तो थोड़ा तो ये रहता है कि हर चीज़ वहाँ पता रहता है कि इससे ये होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लासेस में भी ये बात नहीं पता चलती है। जैसे कि ये वाला क्रीम कितना भी मैं देखी ना मुझे कहीं भी नहीं मिला, फिर अपने समझ से मुझे जैसा लगा ठीक मैं बटर वैसे ही मिला कर रहे और ये केक बनाई हूँ। और कस्टमर को जब पसंद आ जाता है ना तो केक बनाने की मेहनत वसूल हो जाती है। और ये है ना स्क्रैपर लेके मैं साइड साइड से कर दी हूँ क्योंकि जब आप स्क्वायर में बनाते हैं ना तो सच में काफ़ी टाइम लगता है,
और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है आपको पता है, तो ये है ना केक मैं इसी बीच में बनाती हूँ, इसीलिए मैं उतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी, स्क्रेपर चला दी हूँ और इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। और ये जो डिज़ाइन आप देख के चौंक गए होंगे, तो चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस दिन मैं ये अपलोड करी थी उसी दिन रात में मुझे ये ऑर्डर आ गया था। वो बोले थे कि सेम मुझे ऐसा चाहिए, मैं बोली उनको थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ, तो वो बोले नहीं हमें सेम ही चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं जब हमारे कस्टमर की डिमांड रहती है तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ये मैं N1 का ली हूँ और एक मोदक वाला स्टार नोजल आता है और एक है ना छोटा स्टार नोजल आता है जो डॉल वगैरह में यूज़ होता है। ये तीनों में मैं तीन अलग अलग कलर डाली हूँ और तीनों से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स बना दी हूँ। और ये सिंपल है, अगर आप लोग को देखने में थोड़ा लग रहा होगा लेकिन जब बना रही हूँ तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि एकदम ईजी रहता है। जहाँ आपको समझ में आया है कि ऐसा फ्लावर्स बना दूँ, लुक उसका अच्छा आ ही जाता है जब आप दो तीन कलर यूज़ कर लेते हैं तो केक का लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो आप लोग भी अपने केक को ना ऐसे ही सुंदर बनाएं और वो भी आसान मेथड से। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बीच में है ना वो हैप्पी वेकेशन लिखने के लिए बोले थे तो वो मैं लास्ट में लिखी हूँ, इसमें नहीं लिखी हूँ, छुट्टियों के हिसाब से वो लोग बनवा रहे थे। आप लोग भी अगर ऐसा सुंदर सुंदर केक अपने घर में बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी बनाएं, बिल्कुल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खाली इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आप रेडीमेड लाकर अपने घर में केक बनाएं और फिनिशिंग आपको बनाते बनाते ही आएगी और कोई दिक्कत नहीं है केक बनाने में, आप भी बहुत टेस्टी केक बना सकते हैं। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक और इसका है ना मैं वेट करके भी आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इसका पूरा वेट है ना 700 ग्राम आया था। और ये रहा मेरा केक का फाइनल लुक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।